चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने अपनी जोरदार तैयारी के बीच 403 विधानसभाओं में अपने रथ उतार दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी के कार्यालय से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये रथ डोर टू डोर कैंपेन की तरह आयोजित होगा। इस रथ को 403 विधानसभा सीट में जीत हासिल करने के लिए निकाला गया है। इस चुनावी यात्रा में निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। इन सबसे साफ जाहिर है कि पार्टी हर कोशिश करने में लगी हुई है, जिससे 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी के हित में लाया जा सके। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमारे सामने आदरणीय मोदी जी ऐसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जी ऐसा नेतृत्व है, गरीबों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार जो नारा दिया था वह समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया है। मैं आपके बीच में आया हूँ, फिर आपका आशीर्वाद इससे हम सबको प्राप्त हो और पुनः सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर पुनः गरीबों की सेवा करना यही जीवन का लक्ष्य है, हम सबका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बाकी नीतियों में एक रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और एक रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी बात, जो सरकारें आती है जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की बात करती है, नीतियों में जातिवाद का भी आरोप नहीं लगाए मित्रों। और गुंडागर्दी मैं जड़ से समाप्त किया हूँ। एक भी बेटी एक बच्चे को केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बैंड जाएगी अपनी रथ, और सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए, गरीब के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो गरीबों को वितरण हुआ है, और जान जहां दोनों बचाने का जो काम हुआ है, एक गरीब तक हम पहुंचेंगे, गांव गांव तक पहुंचेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। दूसरा बिंदु मित्र, जो कहा था 2017 के पहले कि सरकार बनने के बाद गुंडा राज भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, मित्रों में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?